नाम बोलो। मेरा नाम अमरीन बेगम है। हम लोग कंपनी बाग लंगर हाउस में रहते हैं। हमारे बहन और बड़ी बहन और उनके भौने के बीच में बहेजा हुए तो मम्मी लोग घर पे बुलाकर बात करे। और लोग उन्होंने बात करके जाने के बाद फिर 30 से 35 जनों को लेके आके घर के ऊपर हमला करे। मैं मम्मी को बहन को बचाने गई तो इनके शोहर सैफ कसेरी मेरे हाथ के ऊपर कत्ते से जानलेवा हमला करे। पहले उन्हें सर पे मार रहे थे, मैं फिर हाथ लेके आती कि मेरे हाथ पे मार दिए। कितने जने मिलके हमला करे? 30 से 35 जने। क्या चीज से हमला करे आप लोग को? कत्ते से, बेस बैट से, लकड़ी से, लटों से, रॉडों से, जमीये से। मेरे को जमीये से मारे इधर हमारे शोहर, उनके पूरे भाया दोस्ता सब जने पूरे ससुराल वाले मिलके एकदम से हमला कर दिए उनको। मारने की वजह क्या है? हम लोगों के बीच में बहस हुई थी, उनको बीच में बहस हुई थी, वो घरेलू मैटर था। तो पापा और हमारे वासी भैया घर में बुला के बात करके उनको भेज दिए थे, ईद के बाद आओ, ईद के बाद अपन बात करेंगे। अब दोनों गुस्से में है ना, बोले तो उन्होंने चले गए वहाँ से खामोश। फिर बाद में फोन करके बोले बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ, बोल के 30 से 35 जनों को ले लेके आके सडन हमला कर दिए घर के ऊपर। सैफ कसेरी, कैफ कसेरी, फरदीन कसेरी, अजहर, अयूब, सैफ का मामू, गौस, आमिर और बहुत सारे जने थे। आमिर वाला हमारा 4 जने इंजर्ड हुए सर। हेलो, मेरा नाम हुमैरा नूरीन है, मेरे शोहर का नाम सैफ कसेरी है। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी के अल्फाज कर रहे थे, मेरे घर पे रह के मेरे को टॉर्चरान कर रहे थे, घर से पैसों की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने घर से पैसे लाओ, 50,000 लाओ, 1,00,000 लाओ बोल के डिमांड कर रहे थे। वो मैं घर पे नहीं बोलने से उन्होंने मेरे साथ टॉर्चरान कर रहे थे, मेरे ऊपर हाथ उठा रहे थे। उन्होंने मैं देख देख के घर पे कल आके बोली, बोलने से कहा आज इफ्तार के बाद उनसे बातचीत करे। बातचीत करके बोले रमज़ान है, अब ईद तक जो भी है तुम अपने अपनी जगह रहो, ईद के बाद जो भी है बात करेंगे बोल के उनको भिजा दिए थे। मगर उन्होंने उनके पूरे दोस्तों को, उनके भाइयों को लेके आके घर पे हमारे हथियारों के साथ हमला करे, मेरे ऊपर, मेरे बहन के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर जानलेवा हमला करे। आप कौन है मां? जी मैं उनकी बीवी हूँ। मेरा नाम हुमैरा नूरीन है, हम लोगों की लव मैरिज है, 2 साल ही और हम लोगों की शादी हो गए। घर के बाहर हुआ हमारे लंगरोज पीएस लगता जी 25-40 जने तो भी थे, 35-40 जने तो भी थे, उनके पूरे दोस्ता 4 जनों के ऊपर अटैक हुआ, मेरे, मेरी छोटी बहन के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर, छोटे भाई को भी मारे हमारे, हमारे वालिद को भी मारे, मगर हमारे भाई के दोस्त को भी मारे, उनको भी मारे, उन्होंने बचाने भी आए तो उनका भी सर फोड़ दिए, बेस बैट से, कत्तों से, जमियों से मारे, हथियार लेके आए। सैफ कसेरी है, क्या काम करते हो? नहीं मालूम क्या काम करते, तुम नहीं बोलते हो ना मेरे को। बकरों की फाइटिंग लड़ाते हो? बकरों की फाइटिंग लड़ाते हो? बीटिंग कराते हो? सैफ कसेरी मशहूर है ना बकरों की फाइटिंग। रहते हो ना खिले में? रहते हो ना खिले गोलकुंडे में? रहते आप लोग पीएस में कंप्लेन कराए? जी हां, मैं कंट्रोल रूम को डायरेक्ट कॉल करी थी मगर मेरे को वहां से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। अगर पुलिस रिस्पांस एक्शन कुछ भी लेती तो इतना हमला नहीं होता था आज हमारे घर पे। नहीं नहीं भेजा है, दो आए थे ना कांस्टेबल, बाद में आए, हमला हॉस्पिटल को पहुंचने के बाद जब आए। तो अभी है मौजूद पुलिस वाले साथ में? नहीं नहीं है, कोई भी नहीं है। हम लोग, हमारे को कमिश्नर ऑफिस से स्ट्रिक्टली एक्शन होना उनके खिलाफ हम लोगों को, क्योंकि अब ये हुआ, आज घर पे हमला हुआ, कल के दिन मेरे भाइयों के ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता, कहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, उनसे हमारे को जान का धोखा है। उन दोस्तों को लेके भी जानलेवा हमला कर सकते हैं, उनके भाइयों को लेके भी जानलेवा हमला कर सकते हैं। रहमतुल्लाह बरकातुहू भाई, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, मैं कंपनी बाग में रहता हूँ। ये मेरी बहन है, इनके शौहर सैफ कसेरी है। ये मेरी बहन है, इनके शौहर सैफ कसेरी है। इन दोनों की लव मैरिज हुई सो है, इन दोनों पसंद से शादी कर लिए सो है, 2 साल हो रहा है इन लोगों की शादी होके। डेली हर एक लड़ाई होने का है इनके घर में, हर छोटी बात को बुलाना समझाना भेजना, बुलाना समझाना भेजना। ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स में केस करे थे, फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई, फिर उसके बाद इलांगा लाइफ में आगे बढ़ना बल्कि पुलिस वाले वहाँ पे समझा के करके लंगारो स्पेस में भी ऑलरेडी कंप्लेंट है उनकी वाइफ के ऊपर मारे करे बल्कि उसके बाद चलो रहते ज़िंदगी अपनी अच्छी गुजार लेते बल्कि हम भी सपोर्ट करें, हमारे फैमिली भी सपोर्ट करी, मम्मी डैडी भी सपोर्ट करें, हम लंगा भी सपोर्ट करें हर चीज़ से।
उसके बावजूद भी बहन को हर छोटी छोटी बात को तकलीफ़ा देना, पैसे लेके आओ, वो करो, ये करो, और उनका काम धंधा कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिप लड़ाते, उन्होंने बकरे लड़ाना, बिटिंग करना, बकरों को देखना करना, उनका यही काम है। कहाँ गए थे बोले तो सुबह जाना शाम में आना, कमाने गए थे बोले तो नहीं गया था, लेके आता हूँ, अब लाता हूँ, जब लाता हूँ, बोल के बहन को टॉर्चर करने का है। आज हमारे वालिद साहब हमारे चचा घर पे बुला के उनको समझाए, मियाँ बीवी की लड़ी हुई थी घर में छोटी मोटी, तुम थोड़े दिन तुम्हारी जगह रहो, बच्ची यहाँ पे रहती है, ईद के बाद बात करेंगे बोल के बोले। उसके बावजूद जो है उन्होंने घर में से बात कर ले के जाके उनके राशन डालते, हर चीज़ डालते, भाई गैस सिलेंडर चूल्हा हर चीज़ जो है हम लगा सपोर्ट करे सो है उनको, सैफ कसेरी को, इनके हमारी बहन के शोहर को। उसके बाद जाके उनके वालदा को, मामू को, उनके सैफ, उनके भाइयों को, फरजीन, कैफ, सलमान, अजहर, फैसल, अयूब, अरशद, गौस, और क्या नाम हमारे आमिर बोल के एक बच्चा है, बॉडी बिल्डर है बच्चा, वो आमिर बोल के, वो बच्चा और शबाना, उनके सब्जे ने मिल के जो है घर पे हमला करे। मेरे बहन बाहर निकल के बहस कर रहे तो उनको मारने के उसमें हमलंगा गए, तो हमलंगे पर भी अटैक करे, मेरी भी नाक को इंजर्ड हुआ, मेरी बहन का हाथ कत्ते से हाथ काट दिए, जिसको 9 टाके लग गए अभी भी, ये बहन को 1 टाका लग गया, मेरे को मार पड़ा, मेरे दोस्त का सर खुल गया, उसको भी 2-3 टाके लगे, उस्मानी हॉस्पिटल को आए, थोड़ा पुलिस आने में लेट हो गई, उसके बाद फिर पुलिस आई यहाँ पे, MLC यहाँ पे हुई। भाई मेरे को कुछ भी नहीं है, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोगों के ज़रिए मेरे को कमिश्नर ऑफिस से, आप लोगों से और तेलंगाना हुकूमत से ज़रा सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। आज ये हुआ, आज ये मेरी बहन के साथ हुआ, कल दूसरों के साथ भी होता, कुछ ना कुछ आप लोगों का एक्शन लेना भाई ऐसे जनों के ऊपर। जब केस लेके PS में आते तो उसके ऊपर कुछ तो भी आप लोगों का काउंसलिंग, थोड़ी टेंट बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर कुछ भी करके करना। मेरे को कमिश्नर साहब से और CM, KCR साहब, KTR साहब, असद साहब, अकबर साहब से सबसे उम्मीद है, इंशाल्लाह हम लोगों के साथ इंसाफ होगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है भाई, ज़रा हमारी सपोर्ट करने की कोशिश करिए।